जय हिंद दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज यहाँ पे हम लोग त्रिकोणमिति चैप्टर हम लोग समाप्त कर चुके हैं। आज को लिहाज हम पूरा त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव, जहाँ मतलब 30 मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, वहाँ से 30 ऑब्जेक्टिव में से कन्फर्म लेते हैं कि 5 से 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर से कन्फर्म है कि लड़ जाएगा। 30 इस लेक्चर में बात करते हैं, 30 अगले लेक्चर में बात करेंगे। त्रिकोणमिति में 60 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, 60 में 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव उस त्रिकोणमिति से लड़ जाएगा। तो हम लोग चलिए बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं, वीडियो पर स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, बोला कि यदि साइन थीटा बराबर, देखिए समझिए यहाँ पे हम आप लोगों को समझाने के लिए इतना जगह छोड़ दिया। यहाँ पे देखिए बोला यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या मान रखें, साइन थीटा का क्या मान रखें कि हमारा मान दोनों का बराबर आ जाए। तो साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो, और कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो का मान कितना होता है, एक, तो नहीं है बराबर हुआ। अब रखते हैं कितना, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब यहाँ पे क्या होता है, √3/2, तो देखिए बराबर नहीं हुआ। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग क्या पढ़े थे, साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 45 डिग्री का मान रखते हैं हम लोग, 30 का तो रख लिए, 0 30 का, तो 1/√2, यहाँ पे व्यक्ति तो 1/√2। अरे भाई तो हम लोग समझ में आ गया, तो हमको साइन थीठा बराबर कॉस थीठा, तो थीठा का मान क्या होगा, थीठा का मान 45 डिग्री, क्या होगा थीठा का मान, थीठा का मान क्या होगा, थीठा का मान 45 डिग्री होगा, क्या होगा थीठा का मान 45 डिग्री। अब बोला कि साइन थीठा बराबर 3/5 है, तो शॉर्ट में बना रहे हैं तो साइन थीठा बराबर 3/5, तो 3 कौन हो गया, लम कौन हो गया, लम ये हो गया, लम, और ये 5, तो ये 3 है, ये 5 है, तो क्या हो जाएगा, 5 5 5। अब ऐसे करना है, देखिए यहाँ पे 2 का मान दिया है, तीसरा निकालना है, तो यहाँ 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में 9 घटा लीजिए कितना, 16, तो 16 के वर्गमूल कितना आएगा, 4, तो क्या हो जाएगा, 4। तो पूछा क्या कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 18/2, तो कितना हो जाएगा, 4/5, क्या हो जाएगा, 4/5। यहाँ तक समझ में आया, देखिए बोल यदि साइन थीठा बराबर कॉस थीठा है तो थीठा का मान क्या होगा, यदि साइन थीठा बराबर कॉस थीठा, तो थीठा का मान 45 डिग्री, कितने 45, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2। अब यहाँ पे बोल दिया क्या, यदि साइन थीठा बराबर 3/5, लम 3 है, कर्ण 5 है, तो आधार क्या होगा, 3 3 में कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो माइनस आधार स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर लम स्क्वायर दिया तो माइनस लम स्क्वायर कर देंगे, तो 5 5 25 25 में 9 गया, तो बचा 16, तो 16 का वर्गमूल 4, तो 4 आ गया मेरा आधार, तो आधार तो कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 4/5। अब टैन 60 डिग्री का मान क्या होता है, अब आप लोग बताइए टैन 60 डिग्री का मान, अगर आप लोग सारणी जो पढ़ाएं सारणी को सारणी पढ़े होंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। और टैन टैन देखिए टैन टाइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, टाइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, और टाइन 60 डिग्री का मान, टाइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री मान √3/2 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 होता है, तो 2 2 कट गया, तो यहाँ बचा क्या, √3/1, तो √3 लिखा जाता है, तो क्या हो गया टाइन 60 डिग्री का मान क्या हो गया, टाइन 60 डिग्री का मान √3। अब देखिए क्या हुआ, अब फिर घुरा कोई क्वेश्चन पूछ दिया, क्या किया, फिर क्वेश्चन कोई घुरा दिया, बोला टाइन टाइन थीटा बराबर, टाइन थीटा बराबर यहाँ पे समझिए टाइन थीटा बराबर √3, तो थीठा का मान, तो यहाँ पे कितना थीठा का मान कितना है, 60 डिग्री, टाइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, टाइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3, देखिए टाइन 60 डिग्री बराबर √3, तो टाइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 नहीं दिया, ठिट्ठा दिया, तो बोले ठिट्ठा का मान क्या होगा, तो ठिट्ठा की जगह पर 60 लिख सकते हैं, 60 की जगह ठिट्ठा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया, मोस्ट वीवीआई आप लोग को पूरा त्रिकोणमिति का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोग को छाट के दे रहे हैं, या इसी से क्वेश्चन पूरा का पूरा बिहार बोर्ड 2025 में लड़ेगा, मेरा 100% में 100% गारंटी देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए
1 + tan²θ 8.4 में, अगर आप लोग 8.4 का ऑल फार्मूला पढ़े थे मेरा बेसिक से, अगर 8.4 का ऑल फार्मूला पढ़ाए थे वहाँ पे आप लोग पढ़े थे तो क्या हम लिखाए थे, आप लोगों को पढ़ाए थे sec²θ माइनस tan²θ बराबर 1। तो देखिए sec²θ माइनस tan²θ बराबर 1। तो देखिए क्या टेन 1 + tan² है, तो 1 + tan तो यहाँ पे इधर हो गया क्या sec²θ बराबर 1, तो माइनस रुपया क्या होगा प्लस में, तो tan²θ। तो देखिए 1 + tan² किसके बराबर है, तो sec के बराबर, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे sec²θ। देखिए यहाँ पे समझ हम लोग फॉर्मूला पढ़ाए थे, अगर आप मेरा चैप्टर अगर आप लोग मेरे चैनल पे नई बार पहली बार देख रहे हैं तो हम हर वीडियो हर फार्मूले को हर सोल्यूशन का हम आप लोग को वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे, आप लोग यूट्यूब पे देख लीजिएगा, कोई फीस में नहीं लगता, फ्री वीडियो देखने को मिलता है बस आप लोग को। सही देखिए देखिए यहाँ पे हम sec²-tan² बराबर 1 होता है, sec²-tan² बराबर 1, तो यहाँ पे sec² बराबर 1 + tan². अब आपसे यहाँ पे पूछ देगा, क्या पूछेगा, अभी आपको दे देगा ये sec²θ बराबर क्या होता है, तो sec²θ बराबर 1 + tan²θ। यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन बन गया, अब बोला tan 1 + tan²θ बराबर, तो 1 + tan² बराबर sec²θ, अगर sec²θ बराबर पूछ दे तो 1 + tan²θ। ठीक है यहाँ तक समझ में आया, अब यहाँ पे समझिए, अब देखिए कुछ नहीं सब वही 8.4 से, देखिए sin²θ + cos²θ, तो आप लोगों को पढ़ाए थे sin²θ + cos²θ बराबर 1। देखिए sin²θ क्या बोला, यहाँ पे समझिए sin²θ, तो sin²θ + cos²θ तो बराबर कितना हो गया, बराबर कितना होता है, बराबर 1 होता है, तो मेरा आंसर 1 होगा। आप लोग कन्फ्यूजन दिया रहेगा sin²θ और sin²θ + cos²θ बराबर दिएगा sin², तो sin² हम पढ़े थे, हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग पढ़े sin²θ + cos²θ, क्या पढ़े sin²θ + cos²θ बराबर क्या पढ़े थे 1, तो sin²θ + cos²θ बराबर 1। अब यहाँ पे समझिए 6 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, अब यहाँ पे बोल दिया क्या 8 में 8 sec²θ, अगर आप लोग देखिए अगर आप लोग लेक्चर अगर आप लोग को ये पूरा ऑल फार्मूला याद होगा तो ऑब्जेक्टिव कर चुटकियों में खेल कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए 8 sec² माइनस 8 tan²θ, अब देखिए दोनों में 8 8 मिल रहा, तो दोनों में 8 कोमा लिए, तो 8 कोमा लिए तो क्या बचा sec²θ माइनस tan²θ। अब हम लोग देखिए फार्मूला पढ़े थे sec²θ माइनस sec, अभी नहीं देखिए अभी फार्मूला यही अभी पढ़े थे sec²θ माइनस cos²θ, जो tan उधर चल गया sec²-tan²θ बराबर 1, तो यहाँ पे sec², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, तो 8 × 1 तो कितना आ जाएगा 8 × 1 तो 8 है 8, कितना आंसर कितना आ गया, आंसर मेरा 8 आ गया। बस यहाँ पे देखिएगा अगर sec²θ माइनस cos·tan²θ जितना रहेगा उतना आप लोग बोल लीजिएगा, अगर कुछ नहीं दिया रहे अगर 8 को मिटा दिया रहे, अगर 8 को मिटा दे दोनों साइड तो क्या आंसर आएगा 1 आएगा, यहाँ पे 8 है तो 8 आएगा। ठीक अब चलिए यहाँ पे चलते हैं, अब बोला कि यदि √3 tan θ बराबर 1, तो यदि √3 tan θ बराबर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे इसका, देखिए यहाँ पे यदि √3 tan θ तो tan θ बराबर हम लोग कर लेते हैं √3 है ना, ये प्रतिगुणा में है तो हम इसको भेज देंगे भागा में, यहाँ पे √3 tan θ बराबर 1, अब यहाँ पे √3 गुना में हटे पर जाकर भागा में, तो tan θ बराबर 1/√3। अब देखिए बोला θ का मान क्या होगा, तो θ का मान क्या होगा √3 tan θ, tan किस tan θ, tan कितना डिग्री का मान 1/√3 होता है, tan 0 का होगा या 30 का होगा या 45 का होगा या 60 का होगा या 90, यही 5 गो में एगो और होगा, आप 5 गो आप लोग को 4 गो ऑप्शन दे जाएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा कन्फ्यूज, तो ये आप लोग याद कर लीजिए, अगर आप लोग सारणिक पढ़े होंगे अगर आप लोग आप मतलब आप तालिका पढ़े होंगे तो आप लोग इसका सोल्यूशन बड़ी अच्छे से दे देंगे, तो tan θ बराबर 1/√3, तो क्या θ का मान कितना होगा मालूम है, θ का मान इतना होगा 30 डिग्री, किस लिए 30 डिग्री, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो 60 डिग्री का मान √3, तो यहाँ पे 30 डिग्री का मान 1/√3, इसका उल्टा हो गया, क्या हो गया उल्टा हो गया, तो tan कितना का
30 डिग्री का मान होगा, कितना का मान होगा 30 डिग्री, बहुत सारा यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है। अरे अब यहाँ पे देखिए टेन यहाँ पे 45 कर लेगा, टेन थीटा का मान एक कितना है, बहुत सा बच्चा 45 कर लेगा, तो 45 अब फिर 45 को इधर क्या करेगा, इसी में सब बहुत सा बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होने का तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा। ये देखिए बहुत मोस्ट बिहेवियर क्वेश्चन है, ये हर साल एग्जाम में पूछता है, दो वो ये वो जरूर दो वो हमेशा देखने को मिलता है। देखिए अगर ऊपर नीचे अगर 8.3 पढ़े होंगे आप लोग तो वहाँ पे हम लोग बताए थे, अगर ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे जोड़कर 90 आ जाए, ऊपर और नीचे जोड़कर 90 आ जाए तो कितना मान होगा, उसका एक होगा। अगर ऊपर और नीचे जोड़कर भागा में लिया रहे और ऊपर नीचे देखिए आप ही लोग को सोल्यूशन कर देते हैं, साइन साइन 18 डिग्री बटा कॉस 72 डिग्री, तो यहाँ पे साइन तो साइन तो साइन थीटा बराबर साइन थीटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा बराबर, देखिए समझिए यहाँ पे हम आप लोगों को बता दें साइन थीटा बराबर फिर क्या फॉर्मूला पढ़ा रहे थे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कितना है माइनस 18, तो माइनस 18 चल जाएगा तो क्या बचेगा कॉस 72 डिग्री, यहाँ पे भी कॉस 72 डिग्री, यहाँ पे भी कॉस 72 डिग्री आएगा, क्या आएगा 72 डिग्री, तो दोनों दोनों कट जाएगा तो मेरा आंसर एक आएगा, कितना आएगा मेरा आंसर एक आएगा, ठीक है एक आएगा। ऐसा ही देखिए ऊपर नीचे जोड़कर कितना आ गया, ऊपर और नीचे जोड़कर 90 आ गया, 60 ठीठा का मान 60 है फिर 30 है, ठीठा का मान 60 है और 30 है तो कितना आ गया 90 डिग्री, यहाँ तक समझ में आया, ऊपर 60 है फिर नीचे 30 है तो क्या आ गया आंसर एक आ गया। अगर ऊपर और नीचे याद रखिएगा, अगर ऊपर और नीचे मिलाकर 90 हो जाए, अगर ऊपर और नीचे मिलाकर, अगर ऊपर और नीचे जैसे क्या कहने जाता है ऊपर और नीचे, तो ऊपर कितना है 60 है नीचे 30 है, अगर आप टैन 60 डिग्री का मान बैठाइएगा और कॉस 30 डिग्री का मान बैठाइएगा तो दोनों का मान सेम आएगा तो दोनों कट जाएगा आंसर एक आएगा, ठीक यहाँ पे समझिए। अब यहाँ पे बोल रहे टू साइन, तो अरे भाई अब टू आ गया तो इसका क्या होगा, पहले तो देखिए इसको दो को झाँप दीजिए, साइन जोड़ने पर कितना आता है जोड़ने पर 90 आ जाता है, जोड़ने पर 90 तो इसको दो को हम साइड कर लेते हैं, अभी दो को हम साइड कर लेते हैं तो इसका आंसर एक आ गया, तो एक यहाँ पे दो है तो दो गुने एक तो क्या आ जाएगा, दो गुने एक तो मेरा आंसर दो आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे दो को देखिए दो को साइड रख लीजिए अभी तो 38 डिग्री, 38 डिग्री या 52 डिग्री 90 डिग्री, तो 90 डिग्री तो अगर क्या बोले अगर जोड़कर 90 डिग्री आए ऊपर नीचे जोड़कर अगर ठीठा का मान 90 डिग्री आए तो उसका आंसर एक होगा, तो उसका आंसर एक हो गया। अब यहाँ पे दो है तो दो से गुना कर दिए तो दो गुना एक तो दो। अब यहाँ पे बोला साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो अगर आप लोग तालिका पढ़े होंगे तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है एक बटा टू। अब यहाँ पे समझिए यहाँ पे भी देखिए ये भी बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई, देखिए हम मोस्ट वीवीआई हर साल एक दो को पूछता है, देखिए कंफर्म कर देते हैं जो एग्जाम में आने वाला है कंफर्म कर देते हैं, यहाँ पे देखिए कंफर्म है ये आ जाएगा एग्जाम में, एक दो दो नंबर फिक्स है और फिर यहाँ से 3 नंबर और इधर आएगा फिर, ठीक है हम हर बार आप लोग को पूरा मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव छाट कर लाए हैं कि इसमें पूरा का पूरा लड़ जाएगा। देखिए साइन पर 42 डिग्री माइनस कॉस 42, अगर आप लोग 8.3 पढ़े होंगे तो आप लोग इसका चुटकियों में हल कर दीजिएगा, आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा आंसर क्या हुआ, साइन 42 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, तो साइन 42 डिग्री माइनस कॉस उसका 48 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, कैसे हुआ देखिए आप लोग को बताते हैं, ठीक है कैसे होगा देखिए साइन 42 डिग्री माइनस कॉस ठीठा बराबर, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कॉस 48 डिग्री, देखिए इसको चेंज कीजिए चाहे इसको चेंज कीजिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा का मान जो लिख दिए तो थीटा बराबर 48 डिग्री, तो साइन कॉस में इतना गया 42 तो बचा क्या 48 डिग्री माइनस कॉस 48 डिग्री, तो 48 डिग्री 48 डिग्री कट गया तो माइनस प्लस कट गया, तो जैसे मेरे पास 2 रुपया है तो 2 रुपया में 2 रुपया चल गया क्या बचा, अगर मेरे पास 10 रुपया तो 10 रुपये दुकान में खा गए 10 रुपये क्या बचा 0, तो सर यहाँ पे 0 आएगा। अब यहाँ पे समझिए कौशिक 90 डिग्री माइनस ठीठा और क्या होता है कौशिक 90 डिग्री माइनस ठीठा बराबर सेक ठीठा होता है, क्या होता है कौशिक 90 डिग्री माइनस ठीठा बराबर सेक ठीठा होता है, क्या होता है कौशिक 90 डिग्री माइनस ठीठा बराबर सेक ठीठा, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया बेहतर से तो बताइए आप लोग बताइए कौशिक 90 डिग्री माइनस ठीठा बराबर क्या होता है सेक ठीठा होता है,
होता है ना। अब आप लोग को देखिए यहाँ पे, यहाँ तो देखिए 14 को आ गया और 16 ऑब्जेक्टिव आप लोग को ऑफ कराते हैं, और 16 को कराने के बाद आप लोग इतना 30 गोम तो इतना फिक्स है कि यहाँ पर से 8 से 10 ऑब्जेक्टिव फिक्स कर लिया जाएगा जितना बताएं। देखिए 2 नंबर तो फिक्स कर लिए, और 2 नंबर जो पढ़ाएंगे इतना इतना तो 5 नंबर का फिक्स और लड़ जाएगा। बस आप लोग को 10 नंबर एकदम फिक्स है कि लड़ा देंगे, जितना पढ़ा रहे उतना ही से लड़ेगा, मेरा पूरा गारंटी है। बस आप लोग ऐसा है, आप लोग नहीं विश्वास है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लीजिएगा कि क्वेश्चन इसी प्रकार का है कि नहीं, आप लोग बताइएगा कमेंट में। अगर इस प्रकार का नहीं होगा तो बोलिएगा आप लोग कि हाँ आप इस प्रकार नहीं है। अब बोल देगा, क्या बोलेगा, 15वां नंबर साइन थीटा को कॉस थीटा के पद पद में ज्ञात करें। अब बोलिए अपने लोगों से क्वेश्चन बोल दें, साइन थीटा को कॉस थीटा में बदलें, तो साइन थीटा को कॉस थीटा में, तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे किस में आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए ये मोटा मोटी याद रखें, अब ये लगा याद रखें, अब किस में बदलना है, साइन थीटा को कॉस थीटा में, तो साइन थीटा का फार्मूला लगा तो साइन थीटा स्क्वायर थीटा बराबर, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर स्क्वायर है तो ऊपर जा क्या होगा रूट में, साइन थीटा का मान पूछ रहा, तो इधर स्क्वायर है तो इधर हो जाएगा क्या, साइन थीटा, अब यहाँ पे रूट चल जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए मेरा मान निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे हो गया 15 नंबर, अब चलिए 16 नंबर पर चलते हैं। 16 नंबर में क्या है, तो 16 नंबर में इसी प्रकार से है, बोला क्या, साइन थीटा को अभी बोल लिया कौशिक ठिठा में बदल लिए, कौशिक ठिठा के पद में ज्ञात करें, बोल लिया क्या, कौशिक साइन ठिठा को कौशिक ठिठा, तो साइन ठिठा का फॉर्मूला पढ़ाए थे, साइन गुने कौशिक, साइन ठिठा गुने कौशिक, कौशिक थीटा बराबर 1। तो देखिए साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन को इधर नहीं देते, कौस गुना में उठ क्या होगा, भागा में, तो 1 बटा कौशिक थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मान 1 बटा कौशिक थीटा, देखिए 1 बटा कौशिक थीटा, यहाँ वहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन रहेगा, वहाँ पे दे देगा 1 बटा कौश थीटा भी दे देगा, तो 1 बटा कौश थीटा भी दे देगा, अब यहाँ पे वहाँ पे दे देगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले लेगा, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, मेरा सही होगा, ये क्या हुआ ये वाला 16 नंबर। अब 17 नंबर में चलते हैं, देखिए 17 नंबर में बोल दे क्या, बोल दे क्या, अब 17 नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोल देगा कि साइन थीटा गुने कौशिक ठिठा बराबर क्या होगा, अब आप लोग को दे दे साइन ठिठा गुने कौशिक ठिठा बराबर क्या होता है, साइन ठिठा गुने कौशिक ठिठा बराबर क्या होता है, तो साइन ठिठा गुने कौशिक ठिठा बराबर क्या होता है, तो अभी आप लोग को बताएं, साइन ठिठा बराबर गुने कौशिक ठिठा बराबर 1। 18वां, अब देखिए 18वां बोल देगा, अब 18वां बोल देगा क्या, टाइन ठिठा के टाइन ठिठा को कौशिक ठिठा, हाँ देखिए समझिए, कौशिक ठिठा को शेख ठिठा में बदल ले, कौशिक ठिठा को शेख ठिठा में बदले, देखिए बदलने जो एक कॉस साइन को कॉस में बदले, कॉस को टेन में बदले, यहाँ पर से भी 1 नंबर कन्फर्म है, यहाँ से 1 नंबर कन्फर्म है, जहाँ जहाँ से आप लोगों को 1 नंबर कन्फर्म है वहाँ पर से आप लोगों को बता देना कि यहाँ पर से 1 नंबर कन्फर्म है, तो यहाँ पर समझ आएगा, कौशिक ठिठा को शेख ठिठा में बदलिए, तो कौशिक ठिठा को शेख ठिठा में बदल लें, तो कौशिक ठिठा बराबर फार्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे कौशिक ठिठा बराबर फार्मूला बताइए आप लोग, कौशिक ठिठा को बराबर फार्मूला पढ़े थे क्या, 1 बटा शेख ठिठा कौस होता है, सॉरी कौस होगा, कौश ठिठा को कौशिक ठिठा में, तो कौश ठिठा बराबर फार्मूला पढ़े थे क्या, यहाँ पे देखिए कौश ठिठा गुने शेख ठिठा बराबर 1, तो गुना में रुपये क्या होगा, भागा में, तो 1 बटा शेख ठिठा, तो वो क्या हो जाएगा, 1 बटा
सेक थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वन बटा सेक थीटा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया, बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन तो सोल्यूशन हो गया, अब चलिए आप चलते हैं 19वां नंबर क्वेश्चन में। अगर जहाँ पे आप लोगों को नहीं समझ में आया वहाँ पे आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोगों को कमेंट में ऐसा आप लोग का स्पेशल क्लास लेंगे, ऐसा बात नहीं एग्जाम आने दीजिए। उसके बाद मैथ का पूरा लाइव क्लासेस में भी आएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बस आप लोग जितना हो सके उतना आप लोग वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, जहाँ पे भी नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कीजिए। बोल देगा क्या टाइन ठिठा को कौ ठिठा के पदों में व्यक्त कीजिए। अगर व्यक्त किए अब क्या बोला, बदलने के लिए नहीं, व्यक्त करने या बदलने दोनों एक है, व्यक्त करने या बदलने। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या पढ़े थे, टाइन ठिठा गुने कौ ठिठा बराबर एक। तो टाइन गुने कौ बराबर क्या एक, तो यहाँ पे कौ उधर चल जाएगा तो वन बटा कौट हो जाएगा, क्या आ जाएगा वन बटा कौ ठिठा, वन बटा कौ ठिठा। अब 20वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल दिया कि साइन 45 डिग्री का मान बताइए। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, अगर आप लोग तालिका पढ़े होंगे तो बता दीजिएगा एकदम फट से एकदम देखते हुए, एक बटा √3। अगर आप लोग तालिका नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग तालिका पर जाकर पढ़ लीजिएगा, वहाँ पे आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बोला साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब देखिए तालिका से भी दो नंबर का फिक्स है, दो नंबर का फिक्स है, देखिए दो नंबर वहाँ से एकदम फिक्स है कि तालिका। तो यहाँ पे साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, अब ऐसा ही पूछ देगा क्या, यहाँ पे बोल देगा कौशेक कौशेक 45 डिग्री का मान बताइए। अब कौशेक 45 डिग्री का मान, तो कौशेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का साइन 45 डिग्री का मान क्या हो, 1/√2। तो ये वाला 1/√2 है, तो यहाँ पे ऊपर से वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, √2 हो जाएगा, सॉरी √2। कौशेक देखिए क्या हो जाएगा, 2√2/1 होगा, तो 1 नीचे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो यहाँ पे कौशेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2 होगा, √2 हो जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, बोल देगा कौशेक 60 डिग्री का मान ज्ञात करे, ज्ञात करे। अब कौशेक 60 डिग्री का मान, तो कौशेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो कौशेक तो साइन 30 डिग्री का मान, कौशेक 60 डिग्री का मान होता है, साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, तो 1/2। तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन तो सोल्यूशन हो गया, अब 8 क्वेश्चन का और सोल्यूशन करेंगे। बस पूरा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को पूरा छाट छाट कर, पूरा बुक से हम आप लोग को छाट कर बता रहे हैं। बस आप लोग ऐसा है, जितना आप लोग को बता रहे उतना है, उतना से एक क्वेश्चन भी आउट ही आप लोग को एग्जाम में नहीं आएगा। बस आप लोग को इतना पूरा फुल में फुल गारंटी देते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन में चलिए, 23वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं 23वां नंबर क्वेश्चन में। बोल देगा क्या 1/cot θ बराबर क्या होता है, अगर आप लोग को बोल देगा क्या 1/cot θ बराबर क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे वन, वहाँ पे क्या पढ़े थे टाइन थीटा बराबर 1/cot θ पढ़े कि नहीं, टाइन थीटा बराबर 1/cot θ। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 1/cot θ बराबर 1/cot θ टाइन थीटा गुने कॉट थीठा बराबर एक। तो यहाँ पे देखिए टाइन थीठा, तो कॉट को उधर भेज देते हैं, तो फार्मूला मारा निकल आएगा टाइन थीठा बराबर 1/cot θ, तो क्या निकल आएगा 1/cot θ, तो 1 किसका बराबर होता है, तो टाइन थीठा, तो किसके बराबर टाइन थीठा। ध्यान रख, समझ में आ गया आप लोग को। अब 24वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन में पूछ देगा, क्या पूछेगा कि साइन साइन थीठा बराबर क्या होता है, तो साइन थीठा बराबर फार्मूला होता है क्या, कौशेक कौश 90° - θ क्या होता है, कौश 90° - θ होता है ना, कौश 90° - θ। तो 24वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आपसे पूछ देगा 25वां नंबर में, कौश थीठा बराबर क्या होता है, तो कौश तो साइन का उल्टा कौश साइन, तो यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन 90° - θ क्या आ जाएगा, साइन 90° - θ। 26वां में चलते हैं, 26वां बोल देगा साइन 42° - cos 48°, तो साइन 42। अगर देखिए घटाने वाला में क्या, दोनों ठीठा का मान, अगर दो ठीठा दिया रहे हैं,
ठिठा यहाँ पे दो है, कौन कह है, एक ये दो ठिठा दिया रहे, और दोनों ठिठा में अगर दोनों ठिठा का मान जोड़ने पर देखिए 42 + 48 कितना हो गया 90। अगर दो ठिठा का मान जोड़ने पर 90 आ जाए तो उसका आंसर डायरेक्ट मान लीजिएगा, उसका आंसर डायरेक्ट 0 होगा। अगर बटा में रहे, माइनस में रहे तब ये उपयोग करना है, अगर बटा में जोड़ने पर 90 आ जाए तो उसका आंसर 1 मानिएगा, उसका आंसर 1 मार दीजिएगा, ट्रिक याद रख लीजिए, ठीक है। तो 23वां नंबर, अब आप लोग समझिए, साइन 38 डिग्री कॉस 42 डिग्री, तो इसका आंसर कितना मारिएगा, तो इसका आंसर बोले जोड़ने पर क्या 90 आ रहा, तो इसका आंसर 1 मार देंगे डायरेक्ट। 28वां नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला पढ़ाई देखिए, कॉस थीटा बराबर 1/ टाइन थीटा, तो टाइन गुना में हेटोपटी चलेगी भागा में, तो गुना में हेटोपटी भागा में। तो 29वें क्वेश्चन में चलते हैं, 29वें क्वेश्चन में क्या है बताते हैं आप लोगों को, 29वें क्वेश्चन में बताइए आप लोग, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा, और 30वें क्वेश्चन में बताइएगा कॉस 0 डिग्री का मान क्या होगा, 0 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान आप लोग सोचिएगा, अरे भाई ये 90 डिग्री, आप बोलेगा क्या 90 डिग्री बड़ा है कि 0 डिग्री, तो देखिए साइन का 90 डिग्री बड़ा है पर कॉस का 0 डिग्री बड़ा है, साइन का 90 डिग्री बड़ा है पर कॉस का 0, जैसे 90 से घूलता है, अब 90 तक चल गया तो 90 क्या है, 90 से इधर जाने लगा, 90 से वहाँ पर चल गया तो 90 से घूरने लगा, तो यहाँ पर बोलेगा क्या साइन 0 डिग्री का मान बड़ा है या कॉस 90 डिग्री, साइन कॉस 90 डिग्री का मान बड़ा है कि कॉस 0 डिग्री, तो बोल दीजिएगा कि कॉस 0 डिग्री का मान बराबर है, तो बड़ा है कि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होगा और इसका मान 0 होगा, क्या होगा 0। यहाँ पे देखिए 30 मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव आप लोग कंप्लीट करा चुके हैं, आप अगले नेक्स्ट वीडियो में 30 या 20 ऑब्जेक्टिव और कराएंगे पूरा यहाँ पे मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।